ऑलराउंड गेम हर जगह, जो बॉटम एंड उनका चलता है ना, नॉक तो अमेजिंग नॉक उनका, जो छक्का मारा है उनका यार, वो जो वो छक्का कैसे मारा था और विराट की एक सिफत है, इन्होंने कुछ 150 130 वाले मैच में अपनी टीम को जिताए एज अ फील्डर, एंड आई थिंक ही विल बी चार्ज्ड अप, बिल्कुल ही विल बी चार्ज्ड अप। और है। यार आप सिचुएशन देखो, विराट ने क्या किया आज, फाफ जल्दी आउट हो गए, मैक्सवेल आउट हो गए, दूसरी तरफ से उनको सपोर्ट ही नहीं मिला, उनको पता था कि अब गेम जो चलानी है वो मुझे चलानी है, और लोमरो ने भी देखो विराट हो या कोई भी बैट्समैन हो ये सोचेगा अब मैं क्या करूं। ठीक है तो गाइस फुल वीडियो आगे है, गाइस सिर्फ 30 सेकंड स्किप कीजिए और वॉच कीजिए। गाइस वन सेकंड आपको बता दूं, फुल वीडियो आगे है, सिर्फ 30 सेकंड जो है स्किप कीजिए और वॉच कीजिए। देखिए विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन ऑन विराट कोहली ने जो 101 रन बनाया है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस के खिलाफ, गाइस तो उसको लेकर रिएक्शन वीडियो आया है। देखिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर गाइस, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। विराट कोहली की ब्रिलियंट है गाइस, वॉच कीजिए इस वीडियो को। प्रेडिक्शन किया था आज आपकी प्रेडिक्शन विराट को भी आपको भी सर कोई फुटेज नहीं, पिछले मैच में 105 बोला था, इस बार मैंने 100 बोला था और कितने आए 101। कह रहे मैच अभी खत्म नहीं हुआ, असली प्रेडिक्शन उन्होंने किया, कह रहे मैच अभी खत्म नहीं, इनकी सारी प्रेडिक्शन कर रहे थे, पहले ओवर में एक आउट होगा, नहीं 25 राहुल भाई ने अभी बोला जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं। नहीं आज की ये पारी विदाउट एनी डाउट, खैर किसी का 100 हल्का नहीं होता, पिछले मैच के मुकाबले ये 100 और भी बड़ा, ए जिस वक्त पर आया, बी वो मैच तो आप चेज कर रहे थे और फाफ और विराट ऐसी बैटिंग कर रहे थे मजाक ही बन गया था, यहाँ पे फाफ आउट, मैक्सवेल आउट, लोमरो और वॉकिंग विकेट, सब आउट है, सब आउट, सब आउट। और विराट का ये नहीं है कि विराट ने सोचा चलो यार मैं थोड़ा अब आराम से खेलता हूँ विकेट बचाता हूँ, एक आपको फिर भी 197 रन भी दे दिए। सबसे बड़ी चीज पिछले में बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक, इसमें टॉप क्लास बॉलिंग अटैक, यस आपके टूर्नामेंट का पता नहीं टॉप क्लास था कि नहीं था, ये गुजरात है वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब वो आप क्या आप राशि और उसके नूर के, मुझे आप बताइए कि गुजरात की सोच क्या थी, वो तो अगर ये गुजरात के लिए मस्ट विन मैच होता, चलो मैं आपको हाइपोथेटिकली पूछता हूं, अगर ये गुजरात के लिए मस्ट विन होता नहीं तो बाहर हो जाता, हार्दिक पांड्या 3-4 मैचों से बॉल नहीं डाल रहे, ठीक है आपने ये तो इंपैक्ट प्लेयर वाला आईपीएल है ना ये, तो अगर हार्दिक ने बॉल ही नहीं डाला था तो पहले से डिसाइडेड होता, तो आपके पास 6वां बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। मोहित शर्मा हैड अ डिजास्ट्रस डे, बट आपको मोहित को ओवर कराना पड़ेगा, आपको यश दयाल से ओवर कराने पड़ेगा, क्यों आपने शरका को भी नहीं कराया बॉल, नहीं मुझे लगा क्योंकि आपको याद होगा वो मिड ऑफ पे भी एक बॉल, इनफैक्ट लॉन्ग ऑफ पे गई थी, बड़े आराम आराम से दौड़ रहे थे, आई डोंट नो हार्दिक का क्या है, बट आज कंडीशन थी शुरू में एटलीस्ट ये था कि पहला ओवर जब शमी ने डाला तो दूसरा उनको डालना चाहिए था, ठीक है यश दयाल ने वो दूसरा ओवर डाला अच्छा डाला, बट फिर जो भी है, बट यार चाहे जो मर्जी कहो विराट कोहली ना, आज हम वही बात करते हैं यार, मैक्सवेल हो गए ये हो गए, बड़े बड़े आपको प्लेयर मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी शॉटों से आपको इंप्रेस कर लेंगे, बट आई थिंक जो सिचुएशन है ना विराट सिचुएशन समझते हैं, वो कंप्यूटर होता है उनके दिमाग में गैप्स कहाँ हैं, और एक बार वो सेट हो गए ना उनको पता है गैप्स कहाँ निकालने हैं। आज भी आप देख लो उन्होंने जिस हिसाब से रन बनाए हैं, सिंगल्स डबल्स ऑलराउंड गेम हर जगह, जो बॉटम एंड उनका चलता है ना, नॉक तो अमेजिंग नॉक, उनका जो छक्का मारा है उनका यार, वो जो बॉटम वो जो और वो छक्का कैसे मारा था बैंगलोर नहीं जीत सकता, बट ये लीग मैच नहीं है, ये डू ऑर डाई है, आई थिंक बैंगलोर विल बी चार्ज्ड अप। गुजरात ऑनेस्टली माजरत के साथ वो गुजरात आया ही नहीं आज, हमें वो 20 ओवर में गुजरात दिखा नहीं है जो चैंपियन टीम है, मतलब इतना उनका वो मुझे तो जज्बा दिखा ही नहीं। सेकेंडली अब गुजरात बैटिंग करने आएगा किस माइंडसेट के साथ आएगा, तो विराट ने आपको वो दे दिए हैं जितने रन चाहिए थे अंडर द कंडीशंस, अंडर द सिचुएशन, अगर फाइव मैक्सवेल में से कोई एक और खेल गया होता तो शायद 220 भी बन जाते, बट 197 ऑन द बोर्ड इन दिस गेम। और विराट की एक सिफत है, इन्होंने कुछ 150 130 वाले मैच भी अपनी टीम को जिताए एज अ फील्डर, एंड आई थिंक ही विल बी चार्ज्ड अप, बिल्कुल ही विल बी चार्ज्ड अप। और दूसरा वो भी है जो हम बात करते भी और डिस्कस भी करते रहते हैं कि विराट कोहली जब एज अ फिनिशर, मतलब कि जब वो हैं उनसे बड़ा, तो फिर कोई चार ओवर वहां पर फिर कोई कुछ करे ना करे क्योंकि उससे सेट हो जाते,
और रिस्क फ्री आप देखो ना, वहां पर कोई छक्का छोड़ी आया है यार। आप सिचुएशन देखो, विराट ने क्या किया आज, फाफ जल्दी आउट हो गए, मैक्सवेल आउट हो गए, दूसरी तरफ से उनको सपोर्ट ही नहीं मिला। उनको पता था कि अब गेम जो चलानी है वो मुझे चलानी है, और दूसरा हम खेल कहां रहे हैं, चिन्नास्वामी। ये भी हो सकता था कि आप 160 विराट के 100 हो जाते, 160 पे सेटल हो जाते, हम यहां ताली मारते बोलते विराट की क्या पारी थी। नहीं, विराट ने क्या किया, स्कोर जो है वो आपका 197 रन बोर्ड पे लगा दिया। और वो सिचुएशन जो अपनी टीम को विराट ने रन भी दे रहा है, विराट ने आज सिचुएशन उनकी भी सिचुएशन के हिसाब से खेला, ब्रेसवेल ने अटैक किया ना वहां पर, क्योंकि मोहित शर्मा को क्या हुआ, विराट तो मार रहे थे, ब्रेसवेल आए, उन्होंने कहा मैं भी मारूंगा, तो मोहित शर्मा को आपने थोड़ा सा रेटर, ब्रेसवेल वाली पारी मुझे लगता है बीच में सर वहां पर आकर एक इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वहां से अगर वो आउट हो जाते ना जो हम बात कर रहे थे, तो यहां नहीं पहुंचते तो आप धड़ करके धड़ाम करके गिर जाते हो। देखो विराट हो या कोई भी बैट्समैन हो, ये सोचेगा मैं क्या करूं, ठीक है मैं अपनी गेम खेलूंगा, बट क्या मैं गियर ऊपर लेकर जाऊं या मैं थोड़ा और इंतजार। सही बात है, ब्रेसवेल ने भले वो 25-26 रन बिल्कुल, बट अच्छे मौके पे उन्होंने मोमेंटम नहीं, मोहित रे ना बॉल आज अच्छा नहीं किया, मोहित का अगर आप देखें वो जो स्लोअर वंस भी करते रहे, और कुछ तो अपने पैर में गिरे। दूसरा आपने मैच में प्रीव्यू में कहा भी था कि वो पिक कर ली जाएगी जो स्लोअर बॉल बाकी बल्लेबाज नहीं पकड़ पाते थे, वो ये बल्लेबाज पकड़ हर्षल के साथ क्या होता है, जब वो चिन्नास्वामी में खेलते हैं ना तो उनकी स्लोअर हमेशा पिटती है, आप किसी और वेन्यू में खेलो तो आपकी स्लोअर अच्छी होती है, चिन्नास्वामी में स्लोअर थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड हो, एक तो ये ग्राउंड थोड़ा छोटा है, दूसरा क्या है कि आपकी शॉट ट्रैवल करती है बार बार, हवा पतली होने के कारण जाती है। इसमें एक विराट ने चौका मारा, शुरू शुरू की बात है, मोहित ने बॉल डाला, विराट ने सिर्फ ऐसे सहलाया, ठीक है, और ये आई थिंक 14-15 ओवर के करीब करीब था, सिर्फ ऐसे सहलाया चार हो गए, क्यों, क्योंकि बॉल ट्रैवल करता है और आउटफील्ड भी तेज है, हो गया है अब, हो गया, और गुजरात के लिए कंडीशंस बैटिंग के लिए और बेहतर होंगी, बिल्कुल बेटर, बट आई डोंट नो वो कौन सा गुजरात आया, प्रेशर सिचुएशन ज्यादा होगी उसमें, मतलब आप ठीक है 200 रन नहीं बने, उन्होंने रोक लिया है, एक तरह से उनके लिए अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट बैंगलोर ने किया था आप 200 देख रहे थे कि बड़े आराम से 200 क्रॉस कर जाएंगे, विराट इतनी प्राइम फॉर्म में थे, और विराट की जो बात करते हैं ना कि भाई रन तो वो कभी भी बनाते हैं, बट उनका प्राइम आपका आप गिनते हैं जब 16-20 वो खेलते हैं, 16-20 पिछले दो मैचों में उन्होंने खेला है, 100 है उनके, इस गेल को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, सातवां 100 है विराट का, और चाहे जो मर्जी कहो, आप देखो 639 रन इस सीजन में विराट के भी हो गए हैं। लास्ट मैच उन्होंने ये बोला था ना कि लोग मुझे हल्के में ले लेते हैं, मतलब सोचते नहीं, उन्होंने बोला मैं खुद ही अपने आप को यार उतना क्रेडिट नहीं देता हूँ, मेरे 600 हो गए अब उनके 7 हो गए, वो मतलब T20 वाली शॉट तो नहीं खेली, प्रॉपर क्रिकेट वही क्रिकेट वाली शॉट खेली है एक्चुअली देखा जाए, बट विराट उस माइंडसेट में अब आई थिंक ही इज मोर रिलैक्स्ड। एक तो आई थिंक फाफ और इनकी जोड़ी जो है ना, दे आर फीडिंग ऑफ ईच अदर, ये एक कहते हैं ना कंपेटिटिव कह लीजिए, हेल्दी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, इसीलिए फाफ के आउट होने पे मैंने विराट को देखा, विराट वॉज अ लिटिल मतलब यार फाफ आउट हो गए, मैक्सवेल बैड शॉट, हॉरिबल शॉट, लोमरोर मतलब ब्रेन फेल, समझ ही नहीं आ रहा है, दिनेश कार्तिक ब्रेन फेल, एक बंदे ने 100 बना के फिर भी बॉल 97 पहुंचा दिया, इसमें दूसरा ये है कि सर जो अदर से गेम जो वापस भी आए वो स्पिनर्स ही लेकर आए उनको वापस, अब ये देखना है कि उनकी तरफ मैक्सवेल डाल देंगे, ब्रेसवेल डाल देंगे, और आप जो नया हिमांशु को लेकर आए वो रिस्ट स्पिनर हैं, बट जब राशिद ने 5 ओवर डाला था तभी से उनका टॉवल शुरू हो चुका था कि भाई बॉल मैच का 5, हां मैच का 5 ओवर, नहीं वो पहला ओवर, बट ये है कि आप देखो पहला ओवर था वो राशिद का, वो पहला उसके बाद का गीला बॉल, नहीं नहीं राशिद का, हां हां टॉवल वो है, तो अब स्पिनर्स भी यहां से वो है कि हिमांशु के लिए भी पहली पहली, हां बट मुझे नहीं, देखिए सुपर सॉपर दौड़ रहा है मैदान में इस वक्त, सुपर सॉपर दौड़ रहा है, हां नहीं आउटफील्ड गीला होगा, बॉल बैट पे बेहतर आएगा, और स्पिनर्स के लिए दिक्कत है, ये काफी होंगे सर स्कोर यहां पे, सभी से मैं जानना चाहता हूं ये स्कोर, देखो अगर आज मैच होता तो शायद काफी नहीं थे, मतलब अच्छा स्कोर है, लड़ने वाला स्कोर है, जीतने वाला नहीं है, बट ये गेम का कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो चुका है कि अब Because एक तो विराट का 100 आना, अब देखिए 40,000 लोग जो बैठे हैं ना, बिल्कुल वो भी अब वो, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए गाइस, तो इसी तमाम वीडियोस और अपडेट जो है मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेके आते रहता हूँ गाइस, होप कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है गाइस उसको जरूर ऑन करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।